अगर हम किसी से होम टूर मांगेंगे ना कोई हमें गालियाँ भी दे सकता है। यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल गया, मतलब इस घर में कोई रहता नहीं है, वरना अगर कोई रहता तो हम होम टूर मांग लेते यहाँ का, क्योंकि गाइस फाइनली होम टूर मिल गया और इतना। इस घर का होम टूर हम लेंगे, आप पहले बाहर का देख लीजिए। ये देखिए यहाँ का नहीं है, ये बाहर का ही मेरी ननद लाई थी। ओहो कितना क्यूट है, भौंकते नहीं है। इसका नाम व्हाइट कलर की एपन डिजाइन तो देखी होगी, लेकिन इस कलर की कितनी बढ़िया है। ये दीवारें लगा दी हैं और मतलब इतना पुराना घर और छत भी लकड़ी का है, लकड़ी का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज संडे है तो आज हमारी आउटिंग होती है, लेकिन आज हमारा व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम अल्मोड़ा में दिखाएंगे आपको होम टूर। और ऐसे मतलब ऐसे घर का होम टूर कराएंगे जो अल्मोड़ा के सबसे पुराने घर हुआ करते थे, मतलब उनका आर्किटेक्चर ना अंग्रेजों के ज़माने का है। तो मैं आज अल्मोड़ा में ऐसे ही घर ढूंढूंगी और वहाँ का होम टूर अगर कोई देता है पहले मैं पूछूंगी, फिर वो अगर होम टूर देते हैं तो बढ़िया है, भगवान करे मिल जाए हमें आज का होम टूर। और ये है हमारी मैम की बेटी लावनिया, लावनिया है, लावनिया नवनिया नवनिया। और एक चुन्नू है, ये हेलो चुन्नू, हेलो बोलो फिर यहाँ। ये बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा है, है ना, कुछ नहीं बोल रहा है। और वह हमारे गणेश अंकल हैं, और आज गणेश अंकल की भतीजी भी आई हुई है, यहाँ भी धूप सेकते हैं, और इनके साथ गाय भी आई हुई है आज, मतलब ये कृष्ण कन्हैया बने हुए हैं। गाय भी है, बच्चे भी हैं, सब है। तो गाइस आज हस्पताल में करेंगे ब्लॉगिंग और वंशिका जी बनेंगी हमारी कैमरामैन। एक्चुअली गाइस आज के बाद वंशिका हमारी ब्लॉग में नहीं आएगी, बस इतना ही कहना था आपको। अब हमारी एक दोस्त हमसे भी छिड़ चुकी है, वो सिर्फ कैमरा पकड़ेगी। आप या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे यहाँ पे दिखा एक नींबू का पेड़, हाँ अगर नींबू होंगे तो मैं तोड़ती हूँ। हाँ तोड़ो ना, आज प्रॉमिस ले, किसी ने मुझसे प्रॉमिस किया था प्रॉमिस दे के दिन फूल दूंगा करके, दिया ही नहीं। मगर क्यों, अब चलते हैं इसी से लोगों को इम्प्रेस करेंगे अपना होम टूर दो करके। अगर हम किसी से होम टूर मांगेंगे ना कोई हमें गालियाँ भी दे सकता है, तो आज हमें पहले से ही प्रिपेयर होना है कि गालियाँ सुनने के लिए भी। गाइस ये है अल्मोड़ा के सबसे पुराने घर, मतलब हम अभी थाना बाजार के एंड में हैं, मतलब आगे जाके बहुत सारे हमें घर ऐसे मिलेंगे, फिर लोगों से पूछेंगे कोई अपना होम टूर देता है या नहीं देता है। हाँ मतलब अंदर से कैसे बने हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे ना अंकित डांसर भी डांस करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी उनकी रील्स देखी होगी, वो यहाँ पे आके परफॉर्मेंस किया करते थे अंकित और अंशु। देखो गमले भी लगे हुए हैं, ऊपर से टीन की छत है। अंदर जाके कहाँ रहते हो, हम हॉस्टल में रहते हैं, डिग्री कॉलेज, हाँ कॉलेज में। अंदर लकड़ी की ऊपर से छत है, देखो इसको पेंट किया हुआ है, और ये देखो डिजाइन कितनी बारीक की है, रैक वगैरह ये बहुत पुराने होंगे और अभी तक मजबूत हैं, साफ दिखता है। एंड ये पार्टीशन भी लकड़ी का है, देखो वैसे आवाज पास हो जाती होगी ना एक रूम से बगल रूम पे। हाँ। वैसे यूजुअली सीमेंट बिछाया जाता है, बट पत्थर बिछे हुए हैं, गोबर से लीपा जाता है थोड़ा, जो ये गड्ढे है ना। हाँ पूरा गर्मियों के दिनों में गोबर मिला के पूरा लीपा जाता है। वैसे यहाँ लीपते नहीं होंगे, लीपते हो आप? आपका घर एक और है ये ऊपर, अच्छा। और ये गाइस ये भी पत्थर की है सारी, पूरे इतने बड़े पत्थर होते हैं। ये है सीढ़ियाँ अंदर जाने का, सीमेंट नहीं लगा होता है ना, मतलब ये पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया है ना, ये वैसे अंदर पूजा चल रही है, कहते हैं इस टाइप के, ऊपर से टीन है, बज रहा है थोड़ा सा। ये सारी मिट्टी की होते हैं, ऐसे तो यूजुअली हमारे घर में होते हैं, तो हमें परमिशन मिल चुकी है। ये है अंदर का पूरा व्यू, और ये छत देखिए, ये का, किस मतलब किस टाइम का बना बता सकते हैं? ये पुराने जमाने का बना है। हाँ, कितने साल पुराना घर होगा ये? अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। अच्छा, हमें 90 इयर्स हो चुके हैं रहते रहते। इसी घर में 90 सालों से? मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज़ मेरे ग्रैंडफादर, हाँ, बोर्न एंड ब्रॉट अप यहीं हुए। हाँ, उसके बाद देन मेरे फादर, हाँ, थर्ड पीढ़ी में हूँ। अच्छा, अब मतलब कभी जरूरत पड़ी इस घर को प्रिपेयर मतलब रिपेयर कराने की, जैसे छत वगैरह कभी कमजोर हो जाते हैं? ये जो हुड्स है ये, हाँ, पुराना है, हाँ, पुराना अच्छा होता है, बट इसके ऊपर जो टीन है, तो आजकल ये होता है कि जैसे कि आपने टीन नहीं चढ़ाई? नहीं, नहीं, पुरानी पुरानी है, रिनोवेट किया है, मतलब उसके ऊपर उसको कवर्ड कर रखा है हर चीज। अच्छा, जैसे कि मतलब पानी आता है ना, हाँ, टीन के उससे, चाहे आप वो कुछ भी देखिए,
जैसे बंदर कूद रहे हैं, कभी कोई कोई भी एनिमल जानवर जो आता है वो यहाँ पर तो कूदते हुए जाता है, सिर्फ हमारे वहाँ नहीं पूरे अल्मोड़े में ये प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसको रिन्यूएट कराने की जरूरत पड़ती है। हाँ। और ये लकड़ी की चीज की है, सनमू है क्या, शीशम? ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ बिकॉज हमें नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे शीशम होता था, बेसिकली ये शीशम ही चलता था, शीशम काफी मजबूत होता है ना, मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं, मजबूत। देखो अभी तक टिका है। आप कितने 90 इयर्स से रह रहे हो, तो आपको कितने इयर्स हो गए? हमें तो 50 होने वाले हैं। अच्छा, मम्मा की एज मोर देन 65 है। 65? यस। ये भी मिट्टी का मटेरियल, और यहाँ से प्यारी सी बालकनी, वाव। ये पूरी बालकनी देखो, यहाँ से आपको दिख जाएगा बैक साइड इसका ऐसा है लकड़ी। हाँ, वैसे आवाज पास हो जाती होगी ना एक रूम से दूसरे रूम पे कौन क्या बातें कर रहे हैं। एक्चुअली इनमें गैप्स भी है ना। हाँ, गैप्स की वजह से लकड़ का है ये सारी चीजें, और इसमें मतलब जो फिटिंग होती थी वो मतलब गैपिंग होती थी, सो दैट कि मतलब जैसे मैं अंदर सोता हूँ तो बाहर कुछ भी हो रहा हो तो मुझे आवाज आ जाती है, इवन बगल में क्या चल रहा है उसकी भी आवाज आ जाती है। तो हमें एक घर का थोड़ा बहुत होम टूर मिल चुका है, लेकिन हमें मैम ने बताया कि हमारा एक एक यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उनसे हमने बात पहले ही कर लिया फोन करके, तो उनका घर थोड़ा उस टाइप का पुराना, तो वो हम अपना होम टूर देने वाले हैं। इस घर का होम टूर हम लेंगे, आप पहले बाहर का देख लीजिए, नीचे से दुकानें हैं, दुकानों के लिए भी पहले से शटर बने हुए हैं, वो भी लकड़ी के। ये दिखाओ सबसे पहले, इतना पतला इतना पतला रास्ता है, मोटे लोग कैसे फिट आते होंगे यहाँ से, मतलब अल्मोड़ा के लोग पतले होते हैं। ये दरवाजा बंद करने का, ये देखो ये खिसकाने वाला है, और ये खिसके डने भी मेरे से। ऐसे रैक बनते थे, यहाँ पे लैंप जलती थी जैसे टीवी में हम देखते थे। ये देखो यहाँ से पूरी एयर पंडित, यहाँ से एंट्री गेट है, मतलब चारों ओर से एयर पंडित डाली है। ये वंशिका रानी अटक चुकी है, हम इस सीढ़ी से ऊपर आए, ऐसा लग रहा ना हम नीचे टंकी से ऊपर आ रहे हैं। और ये है पूरी अपन डिजाइन और होम टूर, ये रहा पूरा घर, और ये घर के मालिक ये रहे हैं। आप अपना नाम बता सकते हैं? सौरभ कन्नौजी, कन्नौजिया। ओके, तो आपका घर बहुत ज्यादा अच्छा है, कितने पुराना होगा बता सकते हैं, कितने साल पुराना? 45 इससे पुराना है, मतलब आपके दादा पापा, पापा ने लिया है ये। अच्छा, ये खरीदा हुआ ना मकान है, आप यहीं के हो बेसिकली? मतलब मेरा बर्थ यहीं है। और वैसे पापा लोग भी यहीं के हैं, मतलब पहाड़ी में। अच्छा, और ये है यहाँ का दरवाजा जिससे हम बाहर की मार्केट को देख सकते हैं, मैंने बाहर का व्यू आपको दिखाया था। अच्छा ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ इतना ठंडा भी फील हो रहा है, गर्मी में गर्मी होती होगी, गर्मी में ठंडा होता होगा, ठंडो में गर्म होता होगा, और अलमारी पहले से ऐसे हुआ करते थे यहाँ, पता है हम लोग अपना जेवर वगैरह छिपाते होंगे, कुंडा है इस टाइप का। और देखो कितने अच्छे तरीके से सजा, पूरा पेंट किया है, ये देखिए ये विंडो है, ये सोफा है, कितना अच्छा है ना, वैसे घर के अकॉर्डिंग सोफा भी बहुत क्यूट है, छोटा छोटा सा। अच्छा, चेयर थी, और ये भी सोफे हैं, बहुत मजबूत लकड़ी के, रेड एंड व्हाइट कलर की एपन डिजाइन तो देखी होगी, लेकिन इस कलर की कितनी बढ़िया है। ऐसे आपने बनवाई या आपने खुद बनाया? मम्मी ने। देखो कितना अच्छा लग रहा ना। आपने बाहर वाला रूम देख लिया होगा, अब हम इसके अंदर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ एक स्पेशल मेहमान है। चलो चला। ओहो कितना क्यूट है, भौंकते नहीं है। इसका नाम क्या है? जिम्मी। जिम्मी जिम्मी इसका कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं लाई हूँ यार खाने के लिए। अबे ये है अंदर का रूम, अंदर ये बीच वाला कमरा है, यहाँ पे ये रहा बेड, ये रहा डाइनिंग टेबल, अंदर से कितने अच्छे अच्छे लग रहे ना। इस घर में जिम्मी भी रहता है, और ये है यहाँ का वॉशरूम, ये रहा यहाँ का किचन, किचन भी, ये है किचन, किचन भी देख सकते हैं आप, किचनों में भी डिजाइन है अपन डिजाइन, ये देखिए। ये है सबसे बड़ा बाहर का एरिया, मतलब पीछे वाला एरिया जहाँ पे वॉशरूम वगैरह आपको दिख जाएंगे, यहाँ टाइलें लगी हुई हैं, और ये है छत में जाने का रास्ता। छत देखने जा रहे हैं क्योंकि बाहर से तो छत टिन वाली जैसी दिख रही थी, उस साइड से बैक साइड और ज्यादा अच्छा है। आ जाओ, यहाँ पे पूरे गमले रखे हुए हैं, छत देखते हैं।
कितना, ये देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा स्टोरेज है कपड़ों का, यहाँ सिर्फ कपड़े रखे गए। और छत भी ये काफी पुराना है, मतलब छत भी बहुत छोटा सा है। और ये देखो यहाँ से पत्थरों से इस पे भी पूरा पेंट किया हुआ है, जबकि ये पत्थर होंगे ना। हाँ। जैसे घरों में लगते थे ना पुराने घरों में। ये बगल वाला घर किसका, कपड़े सुखाने को डाले हुए हैं। बहुत अच्छा है ना यहाँ से। मतलब आज हम फर्स्ट टाइम अल्मोड़ा में किसी के घर पे आए हैं। और मतलब ऐसा था ना कि शहरों में अगर हम किसी को होम टूर मांगे ना कोई नहीं देता, लेकिन यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि हमें पहले ही घर में होम टूर मिल गया। ये सेकंड घर है जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए पूरे गमलों, गमले ही गमले हैं, कितना मस्त बनाया हुआ है। वैसे वैसे छोटे एरिया में भी बहुत चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं। हम सोचते हैं ना एरिया छोटा है, क्या क्या यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, लेकिन देखो घर बाहर से कितना छोटा लग रहा था, अंदर जाके कितना बड़ा है। आसानी से यहाँ पे पूरी फैमिली रह सकती है। अभी सिर्फ कुत्ते से खेल लिए हैं। जिम्मी ये लो फोन भैया, यहाँ होम टूर देने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। प्रियंका साही है चैनल का नाम। आपका होम टूर पूरा दिखेगा इसमें, और बहुत अच्छा घर है, और जिम्मी भी बहुत अच्छा है। बाय। तो इस घर का हमने होम टूर थोड़ा कर लिया है। कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट होम टूर होने वाला, तो ज़्यादा आइडिया आने रहा है कि हमें क्या क्या पूछना चाहिए और क्या क्या दिखाना चाहिए। जितना हाँ दिख पा रहा है हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ, लेकिन मोटे लोग नहीं आ सकते हैं, है? अगर आपकी वाइफ मोटी होगी तो पीछे से आएगी। मोटी मोटी लड़की से शादी मत करना, वो ना यहाँ से नहीं आ पाएंगी। ओके थैंक यू भैया। और ये यहाँ का एंट्री गेट है, वाह। ये दुकानें भी लगी हुई हैं। हमारे हॉस्टल से तो लागूना अच्छा है भाई, घर कितने अंदर से क्यूट क्यूट, लोग अपना कितना अच्छा डेकोरेट किए रहते हैं। ये है, अब बेल बजाएं यहाँ, टिंग 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 टिंग। तो दरवाजा इतना बड़ा है। ये 2 फ्लोर 3 फ्लोर होम है। अब यहाँ का होम टूर हमें चाहिए, कुछ क्या है, यहाँ है रास्ता। पुराने टाइम का थर्ड फ्लोर है। जो इस घर का मालिक है ना, मतलब वो दिल्ली रहते हैं। ऐसे पहाड़ को छोड़ के मत जाओ यार, इतना अच्छा घर छोड़ के चलेंगे दिल्ली में, नौकरी नहीं करेंगे क्या? क्या करने आते हैं, गोली मारने आते हैं। गोली मारने आते हैं, हाँ पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले ही होंगे ये पक्का। बीजेपी का घर है, लेकिन इस घर का रास्ता कहाँ से होगा? मतलब बीजेपी लगा हुआ है यहाँ पे। आज संडे है तो आधे से ज्यादा नीचे दुकानें बंद है। हम नीचे हम किसी दुकान वाले से पूछेंगे कि ऊपर आपका मालिक कौन है, हम होम टूर चाहिए तो, लेकिन ये साए तो ये हंसता के रिश्ते, हंसता पूछो तो जरा। वैसे रास्ता यहाँ से है, लेकिन ये घर ज्वाइन है ये पता नहीं है। अंदर आ जाए, ये जो बगल में घर है ना पुराना वाला, ये छोटा सा, ये घर किसका है? वो अतुल शाह जी हैं। अतुल शाह जी वो यहीं रहते हैं? हम उनके घर की वीडियो बनानी थी, रिश्ता निकलेगा, परमिशन मिल जाएगी? वो भीतर से तो नया बना है, दिखाना था मतलब पुराने घर कैसे होता अल्मोड़ा में। ये देखो कहाँ पहुँच रही हूँ, ऊपर। मैं पसंद आया था, पसंद इन द सेंस कि ऊपर वो छोटा सा रूम कैसा होगा वो देखने का मन कर रहा था, लेकिन रास्ता ही नहीं है। और सुने में आया कि घर का रास्ता, मतलब इस घर का जो एंट्री गेट है ना, वो पीछे गली के रास्ते है। अब पीछे गली कैसे ढूंढे, यहाँ से तो नहीं है ये गली, पूछ के आए, चलो एक बार वाली गली पे तो आ चुके हैं। ओह गली का रास्ता और गली में, 34 का मकान है, पर मैंने उसको बनाया नहीं है। एक रूम दिखा सकती हूँ मैं आपको, गोदाम से गोदाम से ही है, स्टोर रूम है, क्योंकि आगे दुकान है ना, तो ये पूरी दुकान का सामान यहाँ से है। उस गाइस उस मकान का रास्ता यहाँ से है, गोदाम के रास्ते दूसरा रास्ता भी है, लेकिन यहाँ से ठीक है। हाँ हाँ कोई नहीं, ये है वुडन की लकड़ी, मतलब अंदर से इतना खतरनाक, मतलब यहाँ ना कुछ भी क्राइम कर सकते हैं। अरे उसके मुंह पे चमकाओ फ्लैश, तुम कहाँ चमका रही हो? अंदर से हम यहाँ पे मतलब इतना अंधेरा है कि डर लग भूत क्या हर। और ये है देखो रास्ता, आ जाओ। इसे देखिए, इसमें हम लोग, हमारी अम्मा, मुझे अभी तक याद है, इसमें दही जमाया करती थी, ठेकियाँ, और इनको आंटी ने पूरा डेकोरेट किया हुआ है। एक्चुअली आंटी व्लॉग में आना नहीं चाहती, हम बस उन्होंने अपना घर का होम टूर दे दिया है, तो उनकी क्राफ्टिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सॉस की बोतल, इसको भी पूरा अच्छे तरीके से डेकोर किया हुआ है। और ये है
उसको, सूट फट गया था मेरा। हाँ तो सूट की कटिंग करके मैंने इस तरह से इसको डेकोर किया। वाओ कितनी अच्छी क्राफ्टिंग है। इन चीजों को लोग अपने ब्लॉग्स में नहीं दिखाते लेकिन आज मुझे बहुत अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं सच में। चलो से कॉक के डिब्बे से अच्छा कॉक के डिब्बे की कटिंग। जब हमारी लाइटें नहीं होती थी तो हम जलाते थे तो मैंने इसको फेंका नहीं तो मैंने इसको ऐसे सोपीस बनाया। तो गाइस ये देखिए इतना क्यूट सा प्यारा सा लैंप। मतलब हम मैंने तो सच में लैंप से भी पढ़ाई करी है क्योंकि हमारे दिनों में भी हमारे गांव में लाइट कमी आती थी तो इस टाइप के लैंप हुआ करते थे। चिमनी भी मिलती थी। तो ये देखिए छोटे मोटे सारे हम आंटी ने पूरा सजाया हुआ है बनाया पर मेरे डॉग ने इसकी आईज वाइज निकाल दी है सॉफ्ट टॉयज। ये भी हैंडमेड है। ये मैंने बनाया है। ये भी आंटी ने बनाया है और वो शाह है मनीषा शाह। ये बनाए बांस की जो नहीं होती है डंडी। हाँ। बांस के पेड़ की। अरे बांस के पेड़ की डंडी से बनाया है मैंने। इतनी प्यारी प्यारी चीजें देखने को मिल रही है। वाओ ये देखो ये गिलास भी इसमें मेहमान पी सकते हैं मेहमान नवाजी में। और ये देखिए बांस का सच में हस्बैंड की दुकान का एक साइड कॉर्नर मतलब एक गोल लकड़ी का टुकड़ा था मतलब टूटा था। मैंने किसी को यकीन नहीं होगा तो अभी ठीक भी नहीं किया। देखिए आप ये तो मैंने इसको सुतली से मतलब इस तरह का एक वॉल हैंगिंग बना दिया है। अच्छा लग रहा है। ये आप हो? ये मैं हूँ मेरे हस्बैंड है। अच्छा जो ऊपर से वो और ये भी पुरानी ठेकी से बनाया है और ये भी मैंने बनाया है। एक टेंट से मैं लकड़ी लाई थी और मैंने इसको स्पार्कल के वो आता है ना एक पेपर उससे फूल बनाया। बच्चे कितने? मेरे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा जॉब करता है। दोनों बच्चों ने बीटेक किया था। बेटी होती तो आपकी वो भी ऐसी करती ना। अब बहू करेगी। होटल से ये भी बोतल से। वाओ इतनी मस्त क्राफ्टिंग देखने को मिल रही है। ये भी मैंने बनाया है। एपन डिजाइन ये तो हमारा कल्चर ही है सच में। एपन से पूरा गणेश भगवान बना दिया आंटी ने। वैसे आप बहुत टैलेंटेड वन। एक ऊपर का क्राफ्ट है ना ऊपर का कमरा मैंने बिस्तरा सब उसको नेक्स्ट बनाएंगे हम। डॉगी है ना किस दिन गाइस ये देखिए ये यहां का नहीं है ये बाहर का ही मेरी नाना लाई थी। ये धान का पराल ये हम जो मैं साइड में रख के ढोलती हूँ गाँव में उससे इतनी अच्छी डिजाइन। मम्मी देख ले यार तू भी कहते थोड़ा। तो गाइस आपको कैसा लगा इस ये वाला भी हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि आंटी का कहना था ये जो रूम थे ना बहुत छोटे छोटे थे पार्टीशन में तो आंटी ने क्या किया ये पूरा एक कमरा बना दिया है। ये पूरा मतलब यहाँ की दीवारें लगा दी हैं और मतलब इतना पुराना घर और छत भी लकड़ी का है लकड़ी का। और ये सीढ़ी देखो पूरी लकड़ी की सीढ़ी है ऊपर तक जाती है ये छत तक। ऊपर भी रूम है लेकिन यहाँ आंटी जी की बेटे की शादी होने वाली है तो अभी सामान थोड़ा हाउस पॉच हुआ है तो आंटी कहती थी नेक्स्ट संडे तो नेक्स्ट संडे आपको ऊपर का भी दिखाएंगे नीचे और रूमों का दिखाएंगे। अभी सिर्फ एक ही रूम का दिखाना है ठीक है दिखाया आपको। और यहाँ गेस्ट लोग बैठेंगे तो अब हम जाते हैं यहाँ का होम टूर। मुझे अब ये वाला घर बहुत ज्यादा पसंद आया। बाकी के रूम हम नेक्स्ट संडे को दिखाएंगे। आंटी से हमने बात कर ली है। यहाँ देखो कितना अंधेरा है गाइस फ्लैश लाइट ऑन करके जाना पड़ा है क्योंकि हमारा एंट्री गेट तो दूसरा था लेकिन हमें यहाँ से जाना पड़ा। वहाँ हाउस पॉच बात है ना बहुत ज्यादा। गाइस फाइनली होम टूर मिल गया और इतना अच्छा लग रहा है ना सच में। और ये घर जो हमने आपको दिखाया ना 1934 से बना हुआ है ऐसा आंटी का कहना है। और आंटी से हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया है। कॉल करेंगे जब हम आने वाले होंगे क्योंकि संडे को ही हमें आउटिंग होती है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना रोड में कितने अच्छे अच्छे घर होते हैं अंदर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा अच्छे हैं वो अपने घर का होम टूर दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइवेसी की वजह से लोग अच्छे होते हैं बोलिए प्राइवेसी के चक्कर में बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। वैसे अभी तक किसने मना नहीं किया जितनों को भी पूछा हमने उन्होंने हाँ बोल दिया। और जितनों को पूछा सब साथ ही ऐसे हैं। मोदी को भेजना है क्या तकलीफ है इनको क्या क्या बोलोगे आप मोदी को कुछ कहना चाह रही हो क्या बोलना है। गरीब महिला है हाँ छत नहीं है। आप कहाँ की रहने वाली हो वैसे किराए पे रहते हो। अच्छा तो मोदी जी का एक स्कीम है ना आवास योजना उसके तहत अपना घर बना लो तो मोदी ने बनाया तो है सबके लिए घर। क्यों आपके बहू बेटे नहीं है अकेले बहू बच्चे कोई नहीं है अकेले कहाँ कहाँ घूमते हो फिर आप घूमती हस्बैंड आपके हस्बैंड पति पति देव कोई नहीं है मैं अच्छा तो मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हाँ भेज रही हूँ मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के लिए जो अम्मा लोग बिना घर के जा रहे हैं वैसे ना वो होता है ना वृद्धाश्रम वहाँ चले जाइए आप वृद्धाश्रम में वहाँ ना आप सभी बूढ़े लोगों का अच्छे से ख्याल रखा जाता है। नहीं ऐसे नहीं जाना है कुत्ते बिल्ली है मेरे। अच्छा कुत्ते कहाँ है कुत्ते बिल्ली शाम को अभी उधर को गया है कुत्ता मेरा। अच्छा भी अच्छा लग रहा है यहाँ चलेंगे पूछना पड़ेगा।